गाइस, मैं हूं अमित। और भाई साहब, ये जो मशीन है, ये मशीन नहीं है भाई साहब, ये सच्चे मुच्ची का हाथी है यार। इतनी भारी मशीन है, इतना हैवी है यार। इसको पता है मिट्टी में चलाना बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन गाइस, ये है हमारा बाबा निया। गाइस, ये इसका नाम जो है वो क्या है, जिन जिन को पता है जल्दी से कमेंट्स में बताओ, किस किस को हमारे इस रोड रोलर का नाम पता है, जो कि बहुत हैवी होता है, रोड को दबाने के काम आता है। लेकिन आज इसका मुकाबला है एक ऐसी चीज से जिसके साथ में जब बाकी चीजें टकराई तो उसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जो कि गाइस यहां पर, ये है गाइस एक नेल बेड, यानी कि कीलों का बिस्तर। और गाइस, ये एक्चुअली में काफी हैवी है। मैं अगर आपको इसको उठा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर गाइस 2500 नेल्स हमने इसके अंदर 2500 होल्स करके घुसाई है, तब जा करके जो नेल बेड है ये तैयार हुआ है। तो अब जा करके भाई देखो, एकदम नुकीली नुकीली जो कील है वो यहाँ पर पूरे इस बोर्ड के अंदर निकली हुई है। और आज इसका मुकाबला होने वाला है गाइस इस रोड रोलर के साथ में, क्योंकि पहले हमने नेल बेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन गाइस एक बात आपको बता देता हूँ, ये देखो ये जो कील है ना, ये वास्तव में बहुत ही नुकीली है और ये बहुत शार्प है। एंड आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। हम एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें करते हैं उनका आउटकम भी सोच समझ के कि क्या होने वाला है, किस तरीके से कोई बहुत कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी यार, हज़ार चीज़ें सोचनी पड़ती है तब जा करके करते हैं। प्लीज़ ट्राई मत करना, क्योंकि अगर एक भी कील आपके कहीं भी घुस गई प्रॉब्लम हो जाएगी ना गाइस। तो आज जो है रोड रोलर को चढ़ाएंगे कीलों के ऊपर, देखते हैं कि क्या रोलर इस पर चल पाएगा, या फिर रोलर इसको दबा देगा, या फिर इस पर आसानी से निकल जाएगा। और भी कई चीज़ें करेंगे, इसके ऊपर गाड़ी भी चलाएंगे, इसके ऊपर बाइक भी चलाएंगे, इसके ऊपर कुछ चीज़ें भी गिराएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। इसीलिए वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना ज़रूर से बनता है भाई, सब लोग लाइक कर देना। फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग बात शेयर करना चाहता हूं। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं या फिर IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो Unacademy लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही मेगा ऑफर, जहां पर Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि यूजुअली 10,000 रुपये का होता है, वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ का। और यही नहीं गाइस, अगर आप मेरा कोड CrazyXYZ यूज़ करेंगे तो आपको इस पर भी एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा, यानी कि 10,000 का कोर्स लगभग 270 रुपये में। गाइस, ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड है और 30 अप्रैल तक वैलिड है। तो अब भी मेरा कोड CrazyXYZ यूज कीजिए और परचेज कीजिए अपने मनपसंद का कोर्स, और अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कीजिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में, जहां पर आप उनसे अपने डाउट्स लाइव पूछ पाएंगे और उनसे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। और तो और, आप यहां पर मॉक टेस्ट और क्विज के थ्रू इंडिया के स्टूडेंट्स के बीच में अपनी लाइव रैंकिंग भी देख पाएंगे। ये ऑफर गाइस बहुत ही लिमिटेड है, ये याद रखना, सिर्फ 30 अप्रैल तक वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फटाफट से चेकआउट कर लीजिए और अपना एग्जाम क्रैक कीजिए। गाइस, इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छा साइंस का एक डेमो भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ये इतनी सारी कील हैं और गाइस आपको पता है कि अगर कील थोड़ा सा भी जोर से हम कहीं पर भी उसको गाड़ते हैं या दबाते हैं तो वो अंदर ही घुस जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो कील है, अगर इसके ऊपर कुछ भी रखेंगे या मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं या फिर मैं इसके ऊपर लेट जाऊं तो क्या होगा? क्या मेरे शरीर के अंदर बहुत सारी नेल्स घुस जाएंगी या क्या होगा? ये डेमो मैंने पहले भी दिखाया है, लेकिन आपको फिर से जो है बहुत अच्छे से एक बार शॉर्ट में दिखा देते हैं गाइज। तो गाइज, यहाँ पर आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल देखो। मतलब मैं इस पर आराम से चढ़ जा रहा हूँ, आराम से चल पा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं चाहूँ तो इस पर इस तरीके से गाइज कूद भी सकता हूँ, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो नेल्स है ये मेरे जूते के अंदर नहीं जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में लटक रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे नेल्स का जो टिप है सिर्फ वो दिख रहा है, लेकिन गाइज यहाँ पर कुछ भी जो है फर्जीवाड़ा नहीं है, ये असली की एकदम सच्ची मुच्ची वाली कील है, जो कि वास्तव में बहुत ही शार्प है। लेकिन गाइज, अब मैं जो करने वाला हूँ वो आप लोग तो मत ही करना, आपको तो यही कहूँगा। तो गाइज, अब फिलहाल मैं इस कील के बिस्तर पे बैठ गया हूँ और थोड़ी थोड़ी चुभी मुझे, इसलिए मैं उठ भी गया हूँ। इतने प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है गाइस, साइंस का डेमो ऐसे ही नहीं होता। ज़्यादा चुभी तो उठा लेना गाइस। ये जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ साइंस दिखाने के लिए, इसलिए लाइक कर देना। कील तो चुभी रही है, लेकिन गाइस यहाँ पर अब मैं इस कील के बिस्तर के ऊपर लेट गया हूँ और कील तो कट रही है भाई साहब। ओहो, तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि मैं पूरा का पूरा कीलों के बिस्तर पे हूँ, कील मेरे पीठ में चुभ रही है। उठाओ 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 फटाफट फटाफट। तो गाइस
यहाँ पर मैं खुद नहीं उठा क्योंकि शायद जो है कील ज़्यादा चुभ जाती, लेकिन आप लोग समझो गाइस, यहाँ पर मैं कीलों के बिस्तर पे लेट गया, नेल बेड के ऊपर लेट गया, लेकिन मेरे शरीर के अंदर इतनी कील तो नहीं घुसी कि वो अंदर आर पार हो जाए। क्यों भाई, सारी जो है एकदम शार्प एकदम पैनी कील है, क्यों नहीं घुसी गाइस? अभी उसके रीजन की भी बात करेंगे, लेकिन आप देखो ये सब जो है साइंस की वजह से हो रहा है। भाई साहब मैं तो इस पे लेट गया, कैसा हो अगर इसके ऊपर एक बाइक चले? रोलर पे आएंगे, लेकिन उससे पहले बाइक चलाएंगे, उसके बाद में कार चलाएंगे, फिर रोलर पे आएंगे। ये है भाई साहब एक रैंप जिसकी मदद से आराम से जो हमारी बाइक है वो चढ़ जाएगी। तो गाइज ये है हमारी वही गाड़ी जो कि गाइज आपके भाई को गिफ्ट में मिली थी, तो अब इसको चढ़ाते हैं इसके ऊपर, और पता नहीं टायर फटेगा, टायर में घुस जाएगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर आपके सामने जो पूरी की पूरी बाइक है वो आ चुकी है नेल बेड के ऊपर। और देखो मैं अगर दोनों पैर भी ऊपर कर लूँ तो भी इसके ऊपर जो है बहुत आसानी से खड़ी हुई है, इसका मतलब इसको कुछ नहीं हुआ है। अब इसको उतार लेते हैं, और गाइस मुझे भी कुछ नहीं हुआ, बाइक को भी कुछ नहीं हुआ। गाइस अब इसके ऊपर चढ़ाएंगे ऑडिगो। रुक जा मैं बताऊंगा, आंधे आंधे आंधे, चलो 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 चलो। तो गाइस ऑडी जो है वो फिलहाल ओ राजा आंधो 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 आंधो, बस बस रोक लो। तो गाइस यहां पर जो गाड़ी का टायर है ऑडी जो है वो चढ़ चुकी है नेल बेड के ऊपर। टायर का रिस्क लिया था गाइस, ये टायर बहुत महंगा आता है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि टायर इस पे खड़ा है, हवा ऐसे की ऐसे भरी हुई है। उतार लो, जान दो जान दो जान दो। तो गाइस जब हमको साइंस पता होता है ना तो ऐसी रिस्की चीजें भी कर लेते हैं। गाइस हो सकता है कि सब चीज़ों के साथ में रिजल्ट सेम ना हो, यहाँ पर है तरबूज और इसको गिराएंगे ऊंची हाइट से नेल बेड के ऊपर इन 3 2 1 गो। और गाइस देखो एक बार, ये जो तरबूज है ये इसके अंदर यहाँ तक घुस गया है, और इस बार जो मामला है वो कुछ अलग निकला है भाई। ना इसमें टायर घुसा, ना मैं घुसा, और ना इसके अंदर बाइक का टायर घुसा, लेकिन तरबूज ऐसा घुसा है कि निकल ही नहीं रहा है, और तरबूज का पानी भी निकल गया भाई नीचे। देखो कितना दम लगाएंगे इसको निकालने में, बैंकर फंस गया यार ये तो। यार ये कुछ अलग देखने को मिला आज। अब बारी है इस खरबूजे की, तो गाइस इन 3 2 1 गो। और कुछ वैसा ही हुआ है गाइस खरबूजे के साथ में भी, ये भी जो है अंदर गड़ गया, और ये भी भाई साहब निकल नहीं रहा है। अरे वाह यार, ये तो गाइस कम से कम निकल गया, देखो हालत देखो भाई साहब, हर जगह जो है जो कील है वो घुस गई हैं। सोचो अगर ऐसा बॉडी में घुस जाए भाई, सेम हो जाएगा, अगर मैं भी इतना ही ऊंचाई से ऐसे कूद जाऊँ ना तो यही हालत हो जाएगी कुछ। जब इतना सब कुछ हो ही रहा था तो सोचा इसको भी देख लेते हैं, ये है कटहल जो कि बहुत हार्ड है, इसको गिराते हैं 3 2 1 गो। और गाइस ये जो नेल बेड है जो कील है वो कटहल के अंदर भी घुस गई है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी शार्प है। ये देखो भाई साहब, तरबूज को तो जो है काट करके निकालना पड़ेगा, और अभी भी पता नहीं ये निकलेगा या नहीं निकलेगा। निकाल लो, अरे वाह क्या बात है भाई, ये तो निकलता रहेगा, थोड़ा सा मज़ा मैं ले लेता हूँ पहले तरबूज खाने का। किसी को चाहिए? तो गाइस करो रोलर को स्टार्ट करते हैं भाई, 3 2 1 गो। 3 2 1 तो भाई साहब रोलर स्टार्ट हो चुका, और अब जो है ये चढ़ेगा नेल बेड के ऊपर, और इसी रैंप का यूज करेंगे। आ जाओ, अभी रुक जाओ, मेरे ऊपर मत चढ़ा दियो भाई। तो यहाँ पर गाइस इसको लगाते हैं, चढ़ा दो गाइस। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर देखना ध्यान से, बहुत सारी 2500 कील है, रोड रोलर चढ़ने वाला है। चलो चलो चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, आंदो 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 आंदो। और भाई इसका वेट जो है ना बहुत ज्यादा है, रैंप पे चढ़ गया, आंदो। चलो 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 गाइस, रोलर आ गया नेल बेड के ऊपर। और
साहब, नेल्स की हालत खराब जरूर हुई है, लेकिन फिर भी पूरे रोलर का जो वेट है वो किलो के ऊपर है यार। गाइस ये देखो, चलो चलो चलो। तो गाइस यहाँ पर देखो, इस हिस्से पर जो रोलर है वो चढ़ा था और जो कील है उनकी हालत हो गई है खराब, लेकिन रोलर यहाँ तक आ गया था। और सोचो कि रोलर इस नेल बेड के ऊपर चढ़ गया। एक बार फिर से चढ़ाएंगे फास्ट। चलो 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 चलो, जानते 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 निकाल लो। चलो 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 चलो, पीछे लो, बढ़िया बढ़िया, फिर से चला दो, घुसा दो। अरे यार वो फिर उधर जाएगा। चलो ए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, फिसल जाता है। चलो 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 चलो, क्या बात है, इस बार ढंग से चढ़ा है। पास पास, ओ ये देखो, क्या बताया भाई साहब, डीजे बज गया बीच में। भाई साहब जैसे ही रोलर चढ़ा वैसे ही यहाँ पर एक डीजे बज गया और बहुत तेज आवाज आने लग गई। तो गाइस थोड़ी देर रुकना पड़ा और फिलहाल अंधेरा होने को है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फटाफट से यहाँ पर गाइस क्या हुआ है। आप लोग देखो यार, इस बार जो हालत है ना इसकी, वो भाई साहब भयंकर तरीके से खराब हो गई है। जो कील है देखो यार, वो किस तरीके से मुड़ गई है। रोलर ने नेल बेड को, कीलों को रोंद डाला है भाई, लिटरली रोंदना इसको बोलते हैं। ये लोहा है, ये सॉलिड स्टील है, लोहा है भाई, लोहे को इस तरीके से मोड़ डाला है और सारा का सारा भाई। इसमें बहुत ज़्यादा वेट है, इतनी सारी इसमें 2500 कील है और 2500 कील को जो है किस तरीके से इसने तोड़ मरोड़ के रख दिया। देखो पूरी नीचे एकदम सेट कर दिया भाई, आप देखो कील ऐसे हो गई जैसे बिल्कुल बेतरतीब सी की, पता नहीं किसने इसको ऐसे, और कोई भी चीज़ हो ना वो ऐसे कर ही नहीं सकती इसको। ये है भाई, ये हाथी है यार, ये क्या चीज़ है। और इसकी हालत देखो, कुछ नहीं हुआ, बस छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं बस यहाँ पे। देखो ये जो निशान है, बस छोटे मोटे ये निशान आए हैं इस पे, इसको क्या ही फर्क पड़ेगा यार कीलों से, ऑब्वियस ही बात है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। भाई साहब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। अब बात कर लेते हैं कि शुरू में जब मैं चढ़ा और गाड़ी चढ़ी, बाइक चढ़ी, तब क्यों नहीं हुआ, तब वो क्यों नहीं घुसी। तो गाइस सिंपल सी बात है कि अगर एक कील रहेगी तो घुस जाएंगे, ज़्यादा कील रहेंगी तो नहीं घुसेंगे, क्योंकि हमारा जो वेट है, जो प्रेशर है, वो सब कीलों में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गाइस उसी को बोलते हैं कि एकता में शक्ति है। तो वही वाली चीज़ है, सिंपल साइंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, इसलिए वीडियो के लिए लाइक का बटन गाइस जरूर से दबा देना, लाइक ठोकना बनता है वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।